हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि 3XO के रेट जो है वो हाइक हो गए हैं। जो MX1 और AX5 है उनमें 30,000 का हाइक आया, बाकी सारे काफ़ी सारे MX2 प्रो वगैरह जो पेट्रोल वाला है उनके अंदर आपको 25,000 का हाइक आया है। बाकियों में किसी में 10,000 का, किसी में 15,000 का, वेरियंट टू वेरियंट अलग अलग हाइक हुए हैं। बहुत सारे डीलर्स ने तो अभी तक अपने जो कस्टमर्स हैं जिनकी बुक हो रखी है उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया है, और जब आप ऑब्वियसली जाके पता करोगे या व्हेन यू विल कॉन्टैक्ट देम तब आपको पता चलेगा कि प्राइजेज जो हैं वो हाइक हो चुके हैं गाड़ी के। और जब आप डिलीवरी लेने जाओगे तो आपको जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली हाइक प्राइस पे ही इस वक्त गाड़ी मिल रही है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको जो है वो प्रीवियस रेट पे गाड़ी मिले। तो फ्रेंड्स देखो, अब सबसे ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंड्स जैसे 3XO के जो प्राइसेस जो हाइक हुए हैं, तो ये इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी है वो हमने बुक कर रखी है उसको हम कैंसिल करके कौन सी गाड़ी लें। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर 3XO ना ले नहीं लेते हैं हम, सो विच कार शुड वी परचेज। तो फ्रेंड्स देखो, मैं अब आपको इस वीडियो के अंदर सारा आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि 3XO अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको उसके बाद क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स गाड़ियाँ आपके लिए आगे लाइनअप में खड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, इट इज़ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम आपके लिए ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट और इकट्ठा करने का मोटिवेशन अपने अंदर से लेके आ पाएँ और बनाएं आप लोगों के लिए। और अगर एक थम्स अप आप कर देते हो तो इससे भी हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखो, मार्केट के अंदर इस वक्त कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का ही ज़माना चल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स दे आर रियली गुड ऑन इंडियन रोड्स। इंडियन रोड कंडीशंस फ्रेंड्स कैसी है? बम्पी रोड्स हैं, पॉट होल्स हैं, डिस्टर्ब्ड रोड्स हैं, मींस आपको काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड्स मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो इन रोड्स के ऊपर फ्रेंड्स या तो एसयूवी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाती हैं या कॉम्पैक्ट एसयूवीज। तो फ्रेंड्स ऐसी ही एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो आप सबने बुक कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने, जो 3XO नाम की है। लेकिन इसके प्राइस हाइक होने के बाद भाई बहुत सारे लोग जो है वो बुरा महसूस कर रहे हैं दिल के अंदर से, और वो चाहते हैं कि हम लाइक महिंद्रा हैज इंक्रीज द प्राइस इन जस्ट 4 to 5 months गाड़ी लॉन्च करने के बाद। तो कुछ लोग तो भाई डिसहार्टेंड होके गाड़ी की बुकिंग को जो कैंसिल कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अदर ऑल्टरनेट्स को ढूंढ रहे हैं। तो देखो, अदर ऑल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ कैंसिल करके, आप अदर ऑल्टरनेट आपको मार्केट में क्या आ जाते हैं सब 4 meter की गाड़ी के अंदर जो बढ़िया है, और जिनका रेट भाई जो है वो क्रेटा जितना भी नहीं है, ना ही आपको उनका रेट जो है वो किया की सेल्टोस जितना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो किया ब्रांड का जब नाम आया है, साथ में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी एक बिकने वाली है जो सितंबर 2024 के अंदर, जिसने बहुत तगड़ा हाइक भी किया है, अराउंड डबल उसने सेल करी है सितंबर 2023 से लेके। क्यों है ये? क्योंकि गाड़ी भाई अच्छी है। जो गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके लुक भी अच्छे हैं, गाड़ी के अंदर आपको अच्छे इंजन ऑप्शंस भी अलग अलग मिल जाते हैं, अपर ट्रेन लोअर ट्रेन का आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, गाड़ी स्पेशियस भी है। भाई सबसे पहले मैं जो गाड़ी आपको सजेस्ट करूंगा आप लोगों, भाई किया की सोनेट गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है फ्रेंड्स, हालांकि उसका इंजन उतना एज यू कंपेयर टू 3XO उतना ज़्यादा हैवी या पावरफुल इंजन नहीं है, लेकिन इट डज इट्स जॉब। मतलब एवरेज वगैरह को अगर आप देखेंगे तो उसकी 3XO से ज़्यादा है एवरेज, स्पेशियस भी वो 3XO से मार्जिनली आप कह सकते हो फ़र्क है, बाकी अच्छा खासा आपको स्पेस भी मिल जाता है सोनेट के अंदर, और गाड़ी जो है वो बजट फ्रेंडली भी है। मतलब आपका जो बजट है वो उतना क्रॉस भी नहीं होगा। काफ़ी सारे इसके अंदर वेरियंट्स गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में भी गाड़ी मिलती है सोनेट। तो एक ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। एक तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन है सोनेट, जो आपको गाड़ी जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है और आपको आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा इफ़ यू आर लुकिंग के आपको 3XO को कैंसिल करके गाड़ी लेनी है। अब भाई दूसरी एक और गाड़ी है जो अगर आप 3XO को कैंसिल करते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं भाई, उसके ऊपर मैंने एक अभी जस्ट डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई हुई है कि इस गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी चल रहे हैं। मैंने डायरेक्ट टाटा के अपने जो नॉन पर्सन है उनसे बात करके भी उन्होंने मेरे से जो है वो क्लैरिफाई किया है कि इस गाड़ी के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बात कर रहा हूँ 7.99 lakh की जो टाटा नेक्सोन है, मैंने इससे जो प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखी है, कल या परसों अपलोड कर रखी है, तो आप जाके उसको देख सकते हो कि उसमें टाटा नेक्सोन जो 7.99 lakh की जो स्मार्ट ऑप्शनल गाड़ी है भाई, इसका बेस मॉडल है, वो आपको अराउंड 7.5 lakh के आसपास, 7.5-7.7 lakh 60 हज़ार के आसपास की आपको पड़ जाएगी। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड तो ज़्यादा ही हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर आप उस गाड़ी को भी अगर आप चाहो तो स्विच कर सकते हो,
नेक्सॉन इज वेरी गुड कार, अच्छी गाड़ी है, अच्छा खासा 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क है गाड़ी के अंदर। एवरेज आप कह सकते हो मे बी अ लिटल मोर देन 3XO, उतनी ज़्यादा अभी नहीं है क्योंकि ये भी एक पावरफुल गाड़ी है। तो ये भी एक ये भी नेक्सॉन भी पावर ओरिएंटेड गाड़ी है, इट इज़ नॉट टोटली एवरेज ओरिएंटेड। और गाड़ी में भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है भाई, गाड़ी का नाम तो है ही। डिलीवरी टाइम आफ्टर बुकिंग इतना नहीं है, तो बुकिंग भी आपकी इंस्टेंटली हो सकती है, आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हैं और जाकर कर भी आप शोरूम पे बुक कर सकते हैं। 11,000 फ्रेंड्स टाटा नेक्सॉन का बुकिंग प्राइस है। इसको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया टाटा के ऊपर, और जो इसका पेट्रोल का स्मार्ट ऑप्शनल मॉडल है उसके ऊपर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स इस वक्त मिल जाएंगे। आपको एडवांस वगैरह भी वो काफ़ी सारे जो है वो दे देंगे। और भाई गाड़ी की वेटिंग भी ना के बराबर ही है, अराउंड 20 से 25 दिन की वेटिंग है गाड़ी की। अब फटाफट भी अगर आप और उसको पुश करोगे तो आपको इससे भी पहले जो है वो गाड़ी मिल सकती है, टाटा नेक्सॉन पेट्रोल वाली जो कि मैं बात कर रहा हूँ। ICNGI आई है फ्रेंड, उसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं माइट भी। अगर आपने AX5 बुक कर रखी है तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप AX5 को कैंसिल करके किसी गाड़ी में स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं अभी MX1 को ही पर्टिकुलरली बता रहा था, लेकिन अगर आपकी AX5 गाड़ी है 3XO तो आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यू कैन इवन गो फॉर सेल्टॉस, यू कैन गो फॉर दिस वन नेक्सॉन का जो ICNGI है उसमें आपको बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। नेक्सॉन ICNGI भी जो 8.99 लाख से स्टार्ट हो रही है फ्रेंड, इसकी एवरेज अराउंड 20-22 है, तो एवरेज के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। और भाई गाड़ी जो है वो मैंने चला के भी देखी है और गाड़ी जो उसमें किसी टाइप का लैग नहीं है, पंजा दबाती फ्रेंड्स टाटा नेक्सॉन ICNGI भागती है। और आप मेरे हिसाब से, मेरे को अगर पता नहीं चला फ्रेंड्स तो पता इस गाड़ी के बारे में करना कि ये भाई CNG पे चल रही है कि पेट्रोल पे चल रही है, इट्स टोटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर टर्बो इंजन लगा हुआ है और इसकी टॉर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एज जैसे आप अगर ब्रीजा को देखते हैं तो मारुति सुजुकी टॉर्क को कॉम्प्रोमाइज कर जाती है जब आप CNG इंजन लेते हैं, पर यहाँ पर टॉर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। 170 न्यूटन मीटर्स ही मिलेगी आपको स्मार्ट ऑप्शन में, बट आपको 1 लाख रुपए ऊपर देने पड़ जाते हैं जस्ट फॉर CNG, आपको 1 लाख रुपए ऊपर देने पड़ जाएंगे इफ यू वांट द CNG वाला वेरिएंट ऑफ स्मार्ट ऑप्शनल। लेकिन उसकी भी आपको बुकिंग के बाद वेटिंग टाइम बहुत कम है, तो उसमें भी आप हाइक का रिस्क नहीं है फ्रेंड्स। थर्ड में आपको गाड़ी एक और बता देता हूँ जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और सक्सेसफुल गाड़ी है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली तभी इतने टाइम से चल रही है भाई, मैं ब्रीजा की बात कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, LXi जो गाड़ी है, बेस मॉडल ऑफ मारुति सुजुकी ब्रीजा, अच्छी गाड़ी है। इसमें आपको पेट्रोल वाली की मैं इस वक्त पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जो अराउंड 8,30,000 के आसपास की, अच्छी गाड़ी है। इसकी एवरेज भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, इफ़ यू टेक इट इन पेट्रोल वर्जन तो इसकी एवरेज जो है वो अराउंड 15 के आसपास की आ जाती है। माइलेज गाड़ी की अच्छी है, पावर भी ठीक ठाक है इफ़ यू कंसीडर इंडियन रोड्स, तो जितनी पावर आपको चाहिए अराउंड 120-130 न्यूटन मीटर की पावर या कोई जनरेट पेट्रोल के साथ करके दे देती है, तो पावर के मामले में भी अच्छी खासी है कंसीडरिंग द रोड कंडीशंस ऑफ इंडिया। और एवरेज भी अच्छी है गाड़ी की, स्पेशियस भी काफ़ी अच्छी खासी है, 3XO से किसी भी मामले में स्पेस में लेके लैग नहीं करती है गाड़ी। तो फ्रेंड्स अगर आप स्विच करना चाहते हैं 3XO की बुकिंग से तो ये आप इन गाड़ियों को एक बार ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, जो अच्छी गाड़ियां हैं, रिजल्ट भी अच्छा है इन गाड़ियों का, और कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कस्टमर व्यू से अगर आप गाड़ियों को देखेंगे तो अच्छी गाड़ियां मानी जाती हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी नॉलेज जो है वो अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फ्रेंड्स, एक थम्स अप भी ज़रूर दे के जाना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।